और यह धंधा कौन संभालेगा? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, धंधा भी और पठान के बच्चे को भी। अगर तू लायक होता तो मेरी जगह तू होता। तेरे साथ इतने साल रहा हूं, कुछ तो सीखा होगा ना बाबा। बाबा का दिमाग चलता है, फिर जुबान, और जरूरत पड़ने पे बंदूक। के चलो मान लिया के डॉलर हो तुम, फूटी कोड़ी है हम, और पूछती है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाते। अबे आसिक हैं, गुलाम थोड़ी हैं हम। जिंदगी में इंसान सिर्फ दो चीजों से हार जाता है मेरा भाई, एक तो झूठे प्यार से और दूसरा मतलबी यार से। जो तू देख रहा है वो हकीकत नहीं, बस कुछ पल के सपने ही है। अरे खबर हो या खबर, खोदते सबसे पहले अपने ही है। ये है भावना के पति संकल्प कुमार, संकल्प कुमार से कंटेंट कुमार बन। और ये है भावना, बड़बोली भावना। ये कहानी है एक नॉर्मल हस्बैंड और इन्फ्लुएंसर वाइफ की, जहां भावना का कंटेंट संकल्प के दोस्त यार और रिश्तेदार भी हैं, बट संकल्प इसके लिए तैयार नहीं है। तुम हमको बख्श दो यार ये इंटरनेट से बस। तो जानिए क्या होता है इनकी नोकझोंक का हल, और क्या हो पाती है भावना इस जर्नी में सफल। देखिए बड़बोली भावना सिर्फ अमेजोन मिनी टीवी पे, वो भी बिल्कुल फ्री। कितना भी बोल के मर जाओ, प्यार दो प्यार दो प्यार दो, क्या फायदा है? आजकल का टाइम ही कुछ ऐसा है, ये दौर टैलेंट दिखाने वालों का कम और सब हिलाने वालों का ज्यादा है। आप हमसे जल रहे हैं किस लिए? हम पैसा कमा रहे हैं इसलिए। जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने देखा है, उसे साकार करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी मैं ही चुकाऊंगा। अरे शरीफ जरूर हैं पर डरते किसी के बाप से नहीं है। अरे शरीफ जरूर हैं पर डरते किसी के बाप से नहीं है। अनमानने से पहले थोड़ा सोच लेना, मेरे यार सोचते नहीं है। शेर मैदान में आ चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। उड़ते उड़ते शहर से खबर आई है, तेरा भाई अकेले ही तबाही है। Fuck you. तुझे इज्जत की रोटी खिलाऊंगा उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन रोटी के साथ इज्जत जरूर दिलाऊंगा। क्या बोलता है? तेरे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखाया है, दोस्त और मौके बार बार नहीं आते। मेरे दोस्त लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी छेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। साले पुलिस वाले तुम सब नामर्द हो, बंदूक तो है लेकिन गोली में लोहा नहीं है। पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी पर तेरे खून मायन की कमी नहीं होगी, समझा? तो बाटला और लाला को जाकर ठोकना, यहाँ किसको कमी दिखा रहा है? किसी से नफरत हो जाती है तो कोई एक पल में पसंद आ जाता है। जिस शख्स ने तुम्हारे जिस्म को नहीं तुम्हारी रूह तक को छुआ हो, जरा बताओ उसे कैसे बुलाया जाता है? कि ना चिर तेनु दिल चे लुका के रखिया, किते वक ना हो जाने में तो तू। जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, आखिर में सबसे हसीन धोखा जिंदगी ही देती है। आएगा मजा, जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। हाथ में उठा लेंगे हथियारों को अगर छेड़ोगे मेरे यारों को। क्या कांड किया तूने मार्केट यार्ड में? देखो भाई, गुस्से में हाथ उठ गया था, गलती हो गया। अरे बोला ना गलती हो गई, गलती से हुआ। Hey, माल मिला या नहीं? कुछ भी नहीं है सर। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा, दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। अब मैं खुद को इतना बदल दूंगा कि तू तो क्या, मेरे अपने तरस जाएंगे मुझे पहले का जैसा देखने के लिए। जो मेरा है उस पर किसी का हक तो क्या, नजर तक बर्दाश्त नहीं है मुझे। लोग भी क्या कमाल करते हैं, भाई भाई बोल के इस्तेमाल करते हैं। जो लोग मुझे बुरा मानते हैं उनकी नजरों में
मुझे अच्छा बनने का भी शौक नहीं है। जरूरत नहीं है। बाबा के तेरे बाप कह के नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूं। पहचान बताने की आदत नहीं मुझे, लोग चेहरा देखकर पहचान लेते हैं। पहचान ही तो बनानी ना सब, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा बन जाएगी। जो दोस्ती हकीकत लग रही थी हमें, वो सारे ख्वाब निकले। जिन्हें मानता था सच्चा साथी, वो सारे सांप निकले। अरे जब दोस्ती शामिल हो दुश्मनों की चाल में, तो शेर भी फंस जाता है मेरा भाई शिकारी के जाल में। जब तक माँ नहीं चाहिए कोई बाप नहीं कहेगा। अब बाप बनने की बारी है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है जो फूल अभी तक चड्डी में है वो बराबरी करने चला है। कहती मेरी तारीफ में 10 लाइनें लिख कर लाओ वरना मुझे भूल जाओ। मैं क्या मैडम, प्रस्ताव गाय पे लिखा जाता है, कुतिया पे नहीं। मीनंग डेंग लजा किंग नंग सुंग मीनंग सुंग लजा किंग नंग डेंग लोकुमी